सर्वदलीय बैठक में क्रिसमस के मौके पर संसद सत्र को लेकर विवाद हो गया है। क्रिसमस की छुट्टी का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण, कहा प्रहलाद जोशी ने। सरकार ईसाइयों के त्योहार का ध्यान रखे, कहा अधीर रंजन चौधरी ने। हिंदू मुसलमानों की तरह ईसाइयों के भी त्योहार हैं, ये कहा अधीर रंजन चौधरी ने। उनका भी सम्मान होना चाहिए, क्रिसमस के मौके पर सत्र को लेकर सोचना चाहिए, कहा अधीर रंजन चौधरी ने। ये भी कहा कि देखिए, जैसे हिंदुओं का त्यौहार होते हैं, मुसलमानों का त्यौहार होते हैं, क्रिश्चियन लोगों भी त्यौहार होते हैं। ये फेस्टिवल क्रिश्चियन फेस्टिवल की समय ध्यान रखा जाना जरूरी है। कोई अगर इमरजेंसी कोई रहे, कोई आवश्यक हो, अलग बात है, लेकिन ऐसा तो हमारे सदन जब चलते हैं, बड़ा बड़े देखते आए हैं कि एक महीना में क्रिश्चियन फेस्टिवल के समय लोगों को त्यौहार मनाने के लिए मौका दिया जाते हैं। मैं 7 तारीख से रखा है और 29 तक रखा है। 24th सैटरडे है, 25th संडे है। संडे के दिन क्रिसमस है, हम सब क्रिसमस मनाएंगे। दैट्स व्हाट वी हैव रिक्वेस्टेड देम। एंड इसके लिए अगर 25th के बाद हम काम ही नहीं करेंगे, ये क्या तरीका है? दिस इज नॉट गुड। एंड हमको काम करना है तो 24th 25th दो दिन का छुट्टी है। अगर बहुत उनके आग्रह है तो हम 26th के बारे में भी, अगर वो BSE में चर्चा करते तैयार है, लेकिन बाद में एक दिन और बैठना पड़ेगा, वी आर ओके विद दैट। बट पूरा दिन 25th के बाद हम चर्चा ही नहीं करना, सदन चलाना ही नहीं है, ऐसा कैसे होता है? गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट में, उनके ही स्वयं का स्टेट में सरकार के काम का चलता ही नहीं चलता है। ये तो टेलिंग दैट वी आर इग्नोरिंग द क्रिसमस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एलिगेशन है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहा प्रहलाद जोशी ने। इस तरह का आरोप लगाना कि क्रिसमस पे छुट्टी नहीं देना चाहते या काम करवाना चाहते हैं।